friends, good morning. How are you all? I hope you're all doing good. Thank you so much for showering so much of love to my last video once again. Today I'm in Mumbai, and when I'm in Mumbai, the first thing that we do is visit Siddhivinayak. So I'm super excited. I'm already and अभी मैं जा रही हूँ सिद्धिविनायक, जो कि प्रभा देवी में है. एंड जब कभी भी मैं मुंबई आती हूँ, आई मेक श्योर मैं सिद्धिविनायक जाऊँ. आई डोंट नो वहाँ पे भी ऑनलाइन दर्शन में है या टेम्पल खुला हुआ है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा. आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल द ग्लिम्सेस एंड आप भी मेरे साथ साथ दर्शन कर लेना. ऑलराइट, जय बोलो गणपति महाराज की जय. हम लोग निकल चुके हैं टेम्पल के लिए. टेम्पल एस के बोले रोड प्रभा देवी में लोकेटेड है. आपको स्टेशन से करीब 5 मिनट लगेंगे कैब में, अगर आप वॉक से आओगे तो 10 मिनट फ्रॉम दादर स्टेशन. एंड अभी मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म किया है, आपको सिद्धिविनायक टेम्पल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं से आपको अपना स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा. कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है अभी, एंड यू हैव टू बी अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर टाइम. सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में किसने नहीं सुना होगा? हम सब ने सुना है. काफ़ी फेमस मंदिर है. गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में देश विदेश के भक्तों और सैलानी आते हैं. यहाँ लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. गणेश उत्सव में यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए भक्त की भीड़ उमड़ती है. देश ही नहीं, विदेशों से भी काफ़ी लोग ये उत्सव देखने आते हैं. बप्पा की भव्य मूर्ति के दर्शन के साथ इस मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं, जिसके बारे में मैं आप सब लोगों को अभी बताने वाली हूँ. ये हम अंदर आ चुके हैं आफ्टर शोइंग अवर स्लॉट. आपको एकदम टाइम पे प्रेजेंट रहना पड़ता है. जैसे आप अंदर आओगे, आपको काफ़ी अमेजिंग से ये स्टफ्स दिखेंगे, एक्सेसराइज अच्छे, ऑल द सिद्धिविनायक रिलेटेड स्टफ्स. छोटे छोटे कार में रखने वाली मूर्ति, जैसे कि आप ये देख रहे हैं. गणपति बप्पा के सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 को एक लक्ष्मण मिथु पाटिल नाम के एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया गया था. बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक कृषक महिला ने दी थी. कहा जाता है कि उस महिला की कोई संतान नहीं थी. उस महिला ने बप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए मदद करने की इच्छा जताई थी. वह चाहती थी कि मंदिर में आकर भगवान के आशीर्वाद पाकर कोई महिला बांझ न रहे, सबको संतान प्राप्ति हो. मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लोगों के लिए खुले रहते हैं. यहाँ किसी तरह की कोई मनाही नहीं है. सिद्धिविनायक मंदिर में मंगलवार को होने वाली आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भक्तों की लाइन 2 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्रसाद वगैरह अंदर नहीं अलाव कर रहे हैं, तो अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद के बाहर रख सकते हैं. अंदर नथिंग इज अलाउड, कुछ नहीं अलाउ कर रहे हैं अंदर, प्रसाद वगैरह तो बिल्कुल नहीं. आपको बस शायद जाना है, दर्शन करना और बाहर आना है. ये सब मोदक है, आप सबको पता है मोदक कितने अमेजिंग होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स है, काजू वाले मोदक, केसर मिल्क मोदक, ये मोतीचूर के लड्डू. गणपति भगवान का फेवरेट स्वीट माना जाता है. ये मैं अपना रिकॉर्डिंग करते हुए वहाँ पे, एंड अभी मैं अपने लिए क्विकली थोड़ा सा प्रसाद ले रही हूँ, क्योंकि घर से काफ़ी डिमांड है, प्रसाद नहीं आएगा तो तुम भी नहीं आओगी, इसलिए मैं क्विकली प्रसाद लेते हुए. ये टेम्पल का, जैसे कि आप आर्किटेक्चर देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है सिद्धिविनायक टेम्पल. ये आउटर व्यू टेम्पल का, एक्चुअली ये सब काफ़ी ब्यूटिफुल है, बट अभी रेनोवेट हो रहा है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो काफ़ी क्लियर व्यू नहीं है उसका. अभी हम जा रहे हैं टेम्पल के अंदर वॉक करते हुए. मीनवाइल आपको टेम्पल का एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हुए. इज़न्ट दिस ब्यूटिफुल, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अमेजिंग से पिलर्स,
ये पहले होता था डोनेशन अमाउंट वाला दर्शन, अभी जैसे मैंने आपको बोला वो बिल्कुल अलग नहीं है। मैं टेंपल की तरफ वॉक करते हुए, मेन टेंपल की तरफ, सब खाली खाली, जैसे कि मैंने आपको बताया खाली नहीं है। यूजुअली संडे का दिन है, काफ़ी भीड़ होती है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया स्लॉट के हिसाब से दर्शनम है और आपको टेंपल से बुक करना पड़ेगा, सो आपको सिद्धिविनायक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है जिसकी सूंड दाई तरफ है। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान है। ये प्रतिमाएं देखने में काफी आकर्षक लगती है। मंदिर के दर्शन शुभ फलदायी माने गए हैं। मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की दो बड़ी मूर्तियां भी हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बताते हैं तो चूहे उनके संदेश भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। इसीलिए यह धार्मिक क्रिया करते हुए आपको काफ़ी भक्त मंदिर के अंदर नजर आएंगे। सो हमने सोचा हम थोड़ी मोड़ी शॉपिंग कर ले, इसीलिए हम अभी जो बगल में शॉप मंदिर के अंदर है वहीं पर हम लोग हैं। ये कार में काफ़ी अच्छा लगता है, यू नो छोटे छोटे से गणपति हम जो कार में रखते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए सिद्धिविनायक बप्पा, गणपति बप्पा को अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, थोड़े मम्मी के लिए, थोड़े मेरे सासू माँ के लिए, थोड़े सिस्टर्स के लिए, एंड मेरी मम्मी और सासू माँ का एक स्पेशल रिक्वेस्ट था, उनको ये दरवाजे एंट्रेंस में जो लगाते हैं हैंगर वो चाहिए था, सो आई सेलेक्टेड दिस क्वाइट एक्सपेंसिव। अब देखिए कितने सारे डिफरेंट वैरायटीज, कितने ब्यूटीफुल से गणपति के आइडल्स हैं, छोटे छोटे से, थोड़े मीडियम साइज भी है, बड़े भी है। सो अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है तो ये शॉप मंदिर के अंदर ही सिचुएटेड है। जैसे आप एंटर करोगे लेफ्ट में आपको मिठाई और ये होम डेकोर, मतलब गणपति रिलेटेड सारा यहाँ पे होम डेकोर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इतना कुछ है यहाँ पे, ओ माई गॉड। ये देखिए ब्रास के और पीतल के गणपति दिए, ये ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली गणपति, काफी सुंदर से सब कुछ, इतने सारे वाओ। बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है जब आप मंदिर आते हो। जब मैं तिरुपति भी गई थी तो मुझे कितना अच्छा लगा था। और यहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर हर साल 100 मिलियन से 150 मिलियन की धनराशि दान के रूप में प्राप्त करता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट है। दर्शन काफ़ी अच्छा रहा है बिकॉज काफ़ी कम लोग थे, एंड ये स्लॉट बुकिंग के हिसाब से लोग भी काफ़ी कम आ रहे हैं, तो धक्कम धक्की नहीं है, आराम से हो जाता है। बट मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड करो, अगर किसी को नहीं पता तो मैं पहले आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको साइन अप करना है। Alright guys, thank you so much. I hope you liked the video, and if you did, please like, comment, share and subscribe, and I shall come up with more amazing videos as I am in Mumbai already. Take care.